Hi guys, I'm Manmohan Gupta from Vidyamandir Classes. I'm a maths teacher by profession and I'm teaching in Vidyamandir from almost 23 years. I'm also one of the co-founders of Vidyamandir. So, aaj is video mein baat kar raha hu jo NTA ne jo ek change leke aaye hain pattern mein exam ke. Main baat kar raha hu specifically for those students who are going to engineering college. Ki ab tak saalon se 10-15 साल से तो मुझे याद है हर एग्ज़ाम में 90 क्वेश्चन आते थे 13 मैथमेटिक्स 13 फिज़िक्स 13 केमिस्ट्री 90 क्वेश्चंस यू आर सपोज टू डू इन 3 आवर्स और ओवर द इयर्स मैंने देखा है कि पहले डिग्री और डिफ़िकल्टी बहुत सिंपल होता था लेकिन धीरे 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 जो मेन का एग्ज़ाम है मेन्स का आई टी मेन्स कहते हैं मेन कहते हैं उसको धीरे धीरे डिग्री और डिफ़िकल्टी बढ़ रहा था इस बार उन्होंने सालों बाद ये पैटर्न चेंज किया है और पैटर्न में क्या चेंज आया है अब 30 क्वेश्चंस नहीं आएंगे इस साल से 25 क्वेश्चंस आएंगे हर सब्जेक्ट के तो आपको 90 क्वेश्चंस के बजाय 75 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होंगे जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है क्वेश्चंस कम हो गए और एक और बड़ा चेंज आया है इसमें जो 25 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट जो आपको अटेम्प्ट करने हैं उसमें से 20 क्वेश्चंस उन्होंने कहा है जो मल्टीपल चॉइस होंगे ये नहीं लिखा है कि वो सिंगल चॉइस करेक्ट होंगे या मोर देन वन चॉइस करेक्ट होंगे अब तक सिंगल चॉइस करेक्ट ही आए हैं एग्ज़ाम में तो मान रहे हैं 25 जो 20 क्वेश्चंस हैं 20 क्वेश्चंस हैं वो सिंगल चॉइस करेक्ट ही होंगे क्योंकि लिखा नहीं है और अब तक सिंगल चॉइस करेक्ट आए हैं तो मान सकते हैं सिंगल चॉइस करेक्ट ही होंगे और जो 5 बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो 5 रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो इंटीजर टाइप आएंगे जिसको हम फिल इन द ब्लैंक्स भी कहते हैं कि जिसमें आपके चॉइसेस नहीं होंगे जिनको आपको टिक करना है वो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक होगा अब वो कैलकुलेट करना होगा आंसर निकालना होगा और वो अब ये नहीं पता कि वो उसमें सिर्फ इंटीजर टाइप होगा सिंगल डिजिट हो सकता है टू डिजिट हो सकता है या इंटीजर टाइप भी हो सकता है इस बार जैसे आईटी एडवांस में आपको नहीं आइडिया होगा और आपने आपके अगर सीनियर्स ने एग्ज़ाम दिया होगा या आपके किसी फैमिली ने एग्ज़ाम दिया फैमिली में किसी ने एग्ज़ाम दिया होगा तो उन्होंने बताया होगा कि डेसिमल भी इंक्लूडेड था चॉइस के अंदर इतने इस लेवल पे उन्होंने यू नो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस किया था तो यहाँ पे ये नहीं लिखा है बस लिखा है 5 जो क्वेश्चंस आएंगे आउट ऑफ 25 वो इंटीजर टाइप होंगे तो अब देखिए 30 क्वेश्चंस की बजाय अब 25 क्वेश्चंस होंगे तो इसका तो मेरा उसमें क्या रिएक्शन है पहला तो मेरा रिएक्शन है कि हर साल वो चेंज क्यों करते हैं क्योंकि मैं स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को तो उनका साइकोलॉजी देखिए मतलब अभी सितंबर हो गया है जिससे पहले अप टू लास्ट ईयर एग्ज़ाम अप्रैल में होता था लास्ट ईयर चेंज किया उन्होंने एग्ज़ाम जनवरी में कर दिया पहला पेपर वन और फिर पेपर टू बाद में अप्रैल में करा जिसमें ऑप्शन था लेकिन हर स्टूडेंट ने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जनवरी का एग्ज़ाम भी दिया और अप्रैल का एग्ज़ाम भी दिया उनको जनवरी के एग्ज़ाम के लिए पहले से ही स्ट्रेस होना शुरू हो गया फिर अप्रैल का एग्ज़ाम भी था तो एक स्ट्रेस था तो इस बार जो बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे थे उनको पता था कि जनवरी में एग्ज़ाम है तो सारा सिलेबस पहले ही कंप्लीट करना है तो 2 साल का सिलेबस 2 साल भी नहीं मिल रहा उनको उनको अगर जनवरी में एग्ज़ाम है तो कम से कम अक्टूबर नवंबर में सिलेबस ख़त्म करना पड़ेगा कि वे रिवाइज़ करके एग्ज़ाम दे पाएँ तो ये बच्चे इससे प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को जूझ रहे थे इस चेंज से लेकिन अब ये नया चेंज आ गया और नया चेंज क्या है इसमें नेगेटिव तो यही है कि लास्ट में चेंज आया है अब तक बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे या जो टेस्ट दे रहे होंगे वो ये दे रहे थे कि सिंगल चॉइस करेक्ट है 30 क्वेश्चंस हैं अब वो इंटीजर टाइप चॉइस भी आ गई इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चंस भी आएंगे तो उनके लिए एक चेंज है बच्चों के लिए तो ये तो नेगेटिव बात हो गई कि एक सितंबर में बताया जा रहा है कि उनको ये एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंज आया है तो हर साल कुछ ना कुछ चेंज करते हैं और बच्चों का स्ट्रेस पड़ता है लेकिन ठीक है बच्चे मैनेज कर रहे हैं स्ट्रेस को तो ये तो नेगेटिव चेंज हो गया सितंबर में हालांकि अप्रैल में भी बता सकते थे लेकिन मैं कहूँगा पॉजिटिव चेंज इसमें ये है एक तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम हो गए हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 30 होने से बच्चा मैनेज नहीं कर पाता एग्ज़ाम के अंदर तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम है तो उसको 5 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करने हैं 30 के बजाय 25 क्वेश्चन करने हैं तो पर क्वेश्चन जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा लगा सकता है तो वो एक अच्छी बात हुई है कि उसको आराम से ये पर क्वेश्चन ज़्यादा टाइम मिलेगा वो सोच के उसको अटेम्प्ट कर सकता है इट्स अ वेरी गुड थिंग विच हैपन्ड और दूसरा एडवांटेज यह हुआ है कि इंटीजर टाइप में आपका गैस वर्क नहीं चलेगा अब मुझे नहीं पता कि सिंगल डिजिट वाले इंटीजर टाइप होंगे या टू डिजिट वाले होंगे या डेसिमल भी होंगे लेकिन जो भी होंगे
इस बार वो गैस वर्क की जो चांसेस है कि आप गैस वर्क कर रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं, ऐसे कहते हैं तुक्का लगा रहे हैं, वो करेक्ट हो रहा है, उसकी चांसेस कम हो गए। कम से कम 5 क्वेश्चन तो ऐसे हुए कि जिसमें 5 क्वेश्चन 25 में से 5 क्वेश्चन आपका 20% हो गया, जिसमें आपका गैस वर्क बिल्कुल नहीं चलेगा। कि आपने सिंगल चॉइस में क्या होता है, 25 तुक्का मारेंगे तो आप 1/4, दैट इज 25% चांसेस है गैस वर्क करेक्ट हो सकता है। लेकिन इंटीजर टाइप के अंदर वो चांसेस बहुत लो हो जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन 2 डिजिट है 3 डिजिट है तो चांसेस बहुत लो हो जाएंगे। तो ऐसे लोग कई बार जिनको मतलब गैस वर्क करके भी मार्क्स मिलते हैं वो नहीं होंगे। तो ज़्यादा जो प्रिपेरेशन करते हैं, जो तैयारी करते हैं एग्ज़ाम में, उनको इसमें एडवांटेज मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जो पूरी तैयारी नहीं करते हैं और जो गैस वर्क करके आते हैं उनको भी मार्क्स मिलते हैं। तो ये मेरे हिसाब से अच्छी बात है कि जैसे अगर आप सब्जेक्टिव पेपर होता है तो चेक करते हैं, टीचर देखता है क्या लिखा है और उस हिसाब से मार्क्स देता है, तो बिल्कुल जेन्युइन मार्क्स आते हैं। हालांकि कई बार चेकिंग के पैटर्न में फ़र्क होता है, बट स्टिल ऑब्जेक्टिव में गैस वर्क से ही नंबर मिलते हैं सिंगल चॉइस। मोर देन वन चॉइस क्रेडिट वाले हों तो मुश्किल होता है कि आप गैस वर्क करके नंबर ले पाएँ। इंटीजर टाइप में तो और मुश्किल है, अगर वो 2 डिजिट वाला हो या 3 डिजिट वाला हो या डेसिमल वाला हो। तो कम से कम ये मीन्स में ये पैटर्न तो आया कि कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप किस वक्त से नंबर नहीं ले सकते। तो मेरे हिसाब से अच्छी बात यही हुई है कि तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हुए हैं और आप गेस वर्क से जो मार्क्स लेते हैं उनको थोड़ा नुकसान होगा, और जो जेनरली तैयारी करते हैं जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको एडवांटेज हुआ है। लेकिन थोड़ा सा मेरा ये बस शिकायत है कि इसमें ये सेप्टेम्बर में क्यों, ये मई में भी तो बता सकते थे, जून में बता सकते थे, लेकिन सितंबर में जाके उन्होंने बताया है कि सितंबर की ये पैटर्न में चेंज है। लेकिन ओवरऑल आई रियली अप्रिशिएट कि ये चेंज हुआ है, इससे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको फ़ायदा ही होगा।